and welcome to 30 mein 30, the daily dose of V-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. सारा इस साल फिल्म केदारनाथ के साथ करेंगी अपना डेब्यू, लेकिन सारा अभी से अपने फ्यूचर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर हो गई हैं केयरफुल। सारा नहीं चाहती कि वो अपनी फिल्म्स चूज करने में करे कोई भी जल्दबाजी, और इसीलिए कई ऑफर्स आने के बावजूद द पटौरी गर्ल इज टेकिंग हर ओन स्वीट टाइम। 30 में 30 शाहिद रणवीर के बीच पद्मावत रिलीज होने के बाद भी इक्वेशन नहीं हुआ है नॉर्मल। हाल ही में फिल्म की टीम ने तीनों एक्टर्स को लेकर प्लान किया था एक मीडिया इंटरेक्शन इवेंट, लेकिन शाहिद रणवीर के बीच टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट को कर दिया कॉल ऑफ। 30 में 30 सोर्सेस के मुताबिक दीपिका इस बात से काफी खफा हैं कि बिग बी ने फिल्म पद्मावत में सिर्फ रणवीर सिंह के काम को अप्रिशिएट किया। बिग बी के इस एक्शन के बाद रणवीर ने सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया कि उन्हें उनका अवार्ड मिल गया है, लेकिन अपेरेंटली ये बात दीपिका को ना गवार गुजरी है कि अमिताभ बच्चन ने सिर्फ रणवीर के काम को अप्रिशिएट करते हुए उनके काम को कर दिया है नजरअंदाज। 30 में 30 फिल्म पद्मावत में रणवीर के अलाउद्दीन खिलजी के पावर पैक्ड इंटेंस परफॉर्मेंस की चर्चा हर तरफ फैली हुई है, लेकिन सोर्सेस की माने तो रणवीर इनिशियली इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। रणवीर वाज इनिशियली इन टू माइंड्स अबाउट पोर्ट्रेइंग सच अ नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन भंसाली के साथ एक ब्रीफ डिबेट के बाद रणवीर फाइनली टुक अप द ऑफर। 30 में 30 सोर्सेस की माने तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी स्टारा अय्यारी को देखने के बाद उन सीन्स में कुछ चेंजेस करने की डिमांड की है जो मिनिस्ट्री को ऑब्जेक्शनेबल लगे। आपको बता दें कि रिसेंटली सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की रिवाइजिंग कमेटी ने डिफेंस ऑफिशियल्स के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी। 30 में 30 Later on the show, Shraddha Yami में किस बात को लेकर छिड़ी जंग? 30 अक्षय कुमार की गुलशन कुमार बायोपिक मुगल लास्ट ईयर ही हो चुकी थी अनाउंस, लेकिन अक्षय के इस फिल्म से वॉकआउट करने की खबरें कुछ दिनों से हर जगह चल रही हैं। कुछ दिनों पहले ये भी सुनने में आया था कि इस प्रोजेक्ट को अब आमिर खुद अपने बैनर के अंडर करेंगे प्रोड्यूस, और अब सोर्सेस का कहना है कि फिल्म में आमिर खुद अक्षय को रिप्लेस भी कर सकते हैं। 30 में 30 फिल्म मेकर टर्न एक्टर करण जौहर ने रिसेंटली डिजाइनर डुओ फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक के लिए किया रैंप वॉक, और इस दौरान करण ने स्पोर्ट किया ग्रे हेयर लुक। एट द फैशन शो एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा वाज द अदर शो स्टॉपर। जल्द ही करण और सोनाक्षी फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में आने वाले हैं नजर। 30 में 30 फॉर्मर ब्यूटी क्वीन एंड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन रिसेंटली एक फैशन वीक में शो स्टॉपर बनकर पहुंची और शोकेस की एक फैशन लेबल की स्प्रिंग समर कलेक्शन। जब सुष्मिता ने रैंप वॉक किया तो बैकग्राउंड में फिल्म उमराव जान का मशहूर गाना इन आँखों की मस्ती प्ले किया गया। 30 में 30 यामी गौतम और श्रद्धा कपूर दोनों ही नजर आने वाली हैं शाहिद कपूर के साथ फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में, और इन दोनों के बीच इन दिनों राइवलरी चल रही है टू हैव अ बिगर पार्ट इन द फिल्म। यामी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि फिल्म में उनका रोल शाहिद जितना ही इम्पोर्टेंट है, और श्रद्धा भी नहीं चाह रही है कि उनका रोल रह जाए अननोटिस्ड। 30 में 30 कैटरीना कैफ इन दिनों कर रही हैं अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए तैयारी। रिसेंटली कैट ने शेयर की सोशल मीडिया पर ये वीडियो जहां वो फिल्म के लिए एक डांस रिहर्स करती दिख रही हैं। 30 में 30
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की हॉट पिक्चर्स इन दिनों सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। इन पिक्चर्स में प्रियंका का सेक्सी अवतार देखने को मिल रहा है। दरअसल प्रियंका एक मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देंगी और ये पिक्चर्स इसी मैगजीन के लिए करवाए गए फोटोशूट से लिए गए हैं। 30 में 30। संजय दत्त को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में संजय दत्त की जल्द रिहाई को लेकर चुनौती दी गई थी। 30 में 30। अक्षय कुमार लास्ट वीक पहुंचे थे दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने। अक्षय ने अपनी अपकमिंग फिल्म पैडमैन की एक स्पेशल स्क्रीनिंग की थी पीएम मोदी के लिए अरेंज एंड द प्राइम मिनिस्टर रेडिली ओब्लाइज्ड टू अटेंड द स्क्रीनिंग। 30 में 30। यामी गौतम जल्द ही शुरू करने वाली हैं अपनी फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू, लेकिन अब फिल्म के ऑन फ्लोर जाने से पहले डिमांड की है यामी ने अपोलॉजी और इसकी वजह है पुलकित सम्राट। दरअसल जब यामी इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ पास्ट में एक फिल्म कर रही थी तब उन्होंने अपने और पुलकित के लिंक अप रूमर्स के लिए प्रोडक्शन टीम को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था और इसलिए अब यामी को अपनी ये गलती पड़ रही है भारी। 30 में 30। पद्मावत के मेजर सक्सेस के बाद दीपिका विशाल भारद्वाज के साथ अपनी अगली फिल्म पर मार्च से काम करना कर देंगी शुरू। इस फिल्म में दीपिका के साथ दिखेंगे इरफान और ये दोनों मार्च में नेपाल जाकर किक स्टार्ट करेंगे फिल्म का पहला शेड्यूल। 30 में 30। लास्ट सीन इन मुबारका आतिया शेट्टी को बहुत वक्त से तलाश थी एक नए प्रोजेक्ट की और आतिया की ये विश फाइनली हो चुकी है पूरी। रिपोर्ट्स की माने तो आतिया ने अपना नेक्स्ट येट अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट कर लिया है साइन और आतिया इस फिल्म में एक कश्मीरी गर्ल के रोल में आएंगी नजर और फिल्म की प्रिंसिपल शूटिंग भी कश्मीर में होगी। 30 में 30। शमिता शेट्टी ने कल शाम अपने बर्थडे पर थ्रो की एक ग्रैंड पार्टी। यहां शमिता को अपने बेस्ट विशेस देने पहुंचे कई सेलेब्स सच एज इलियाना डिक्रूज, सिस्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, सूरज पंचोली एंड डीनो मोरिया। 30 में 30। रणवीर इन दिनों है अपनी फिल्म गली बॉय की शूटिंग में बिजी और एक रीसेंट इंटरव्यू में रणवीर ने बताया कि क्यों ये फिल्म है उनके लिए इतनी खास। इट्स समथिंग आई फील फॉर वेरी स्ट्रॉन्गली एंड द फिल्म इज परहैप्स क्लोजेस्ट टू माय हार्ट आफ्टर बैंड बाजा बारात बिकॉज आई एम कीन टू बी चैंपियन ऑफ दिस कॉज ऑफ ट्राइंग टू ग्रो एंड डेवलप दीज मोस्ट वंडरफुल म्यूजिक सीन्स व्हिच आर फ्लरिशिंग एंड कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। 30 में 30। दिल जंगली स्टार्स तापसी पन्नू और साकिब सलीम ने बनाई है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए नई स्ट्रेटेजी। वेल, तापसी और साकिब चाहते हैं कि उनके फिल्म रिलीज तक मीडिया में दिल खोल उड़ाए जाए दोनों के डेटिंग रूमर्स। Seeing that we are on a date. Yeah, we are seeing Please. Each other officially till the 16th of February. वो फिर पिक्चर का फेट डिसाइड करेगी रिलेशनशिप का। Zoom follow of our other please. 30 में 30। जहां सोनम कपूर और करीना कपूर खान की फिल्म वीरे दी वेडिंग हो गई है 1 जून तक पोस्टपोन, वहीं 9 मार्च को पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म वीरे की वेडिंग। और इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर पुलकित ने अपनी और सोनम की फिल्म के मिलते जुलते टाइटल पर भी दी सफाई। एक बार पहले भी 5 भगत सिंह आई थी साथ में, उनका तो प्लॉट भी सेम था ऑब्वियसली, बट ओनली द टाइटल इज क्वाइट सिमिलर। ऑलराइट, सो आई थिंक द मेकर्स दे हैड द टाइटल ऑलरेडी And then the other one got announced and I think they were discussing how to sort it out and all that stuff. It's up to them. Kal ko agar Geet ki wedding bhi karte hain, I have no problem. 30 mein 30. जहां शटरबग्स पुलकित सम्राट को पिछले कई समय से कर रहे हैं अवॉइड ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर इन द पास्ट, वहीं रिसेंटली अपनी फिल्म वीरे की वेडिंग के ट्रेलर लॉन्च पर पुलकित ने भी किया मीडिया पर एक मॉकिंग रिमार्क।
में 30 जहां आलिया भट्ट हैं वन ऑफ द मोस्ट फैशनेबल एंड स्टाइलिश डिवाज इन बॉलीवुड, वहीं कटरीना कैफ के हैं आलिया के फैशन सेंस पर डिफरेंट ओपिनियंस। रिपोर्टेडली कटरीना ने रिसेंटली नेहा धूपिया के शो में कहा वो नहीं है फॉन्ड ऑफ आलियाज ड्रेसिंग स्टाइल एंड शी वुड लाइक टू सी आलिया डॉन मोर वाइब्रेंट शेड्स। वेल, अब कटरीना की एडवाइस पर आलिया अपने वार्डरोब में ऐड करेंगी वाइब्रेंट शेड्स या कटरीना के इस कन्फेशन से आलिया हो जाएंगी नाराज, ये तो वक्त ही बताएगा। 30 में 30। ढाका, ब्रसल्स, मुंबई, पंजाब, यूके, ये सारे डेस्टिनेशंस पर अर्जुन परिणीति करेंगे अपनी फिल्म नमस्ते कनाडा को शूट। अर्जुन परिणीति की ये फिल्म इसी मंथ से जाएगी ऑन फ्लोर। 30 में 30। शाहिद कपूर दीज डेज इज राइडिंग हाई ऑन द सक्सेस ऑफ पद्मावत। शाहिद आज पद्मावत की एक स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड करने पहुंचेंगे सिंगापुर। ये स्क्रीनिंग एक एनजीओ ऑर्गेनाइज कर रही है और शाहिद यहां एक दिन के लिए ठहरेंगे। 30 में 30। अग्निपथ डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ कर ली है 3 फिल्म डील साइन और सोर्सेस की माने तो इनके इस डील में बनने वाली पहली फिल्म में वो रणबीर कपूर को रोप इन करना कंसिडर कर रहे हैं। 30 में 30। अमिताभ ने अपने रीसेंट ब्लॉग पोस्ट में रिवील किया कि वो थग्स ऑफ हिंदुस्तान को मिड फेब में कर देंगे रैप अप और इसके बाद वो शुरू करेंगे काम करना अपनी अगली फिल्म पर जिसका टाइटल होगा झंड। ये फिल्म कुछ स्लम चिल्ड्रन पर होगी बेस्ड। 30 में 30। बॉलीवुड की बिलावड राम लखन की जोड़ी का एक दूसरे के लिए अफेक्शन नजर आया सोशल मीडिया पर। अनिल ने जैकी श्रॉफ के बर्थडे पर उनके लिए किया ये हार्टफेल्ट पोस्ट जिसके रिस्पांस में जैकी ने किया ये ट्वीट आस्किंग अनिल टू जॉइन हिम फॉर अ मील। 30 में 30। वन ऑफ बॉलीवुड्स क्यूटेस्ट रियल लाइफ कपल्स जेनेलिया एंड रितेश देशमुख ने फरवरी 3 को सेलिब्रेट की अपनी 6th वेडिंग एनिवर्सरी और इस स्पेशल ओकेजन पर रितेश ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी और जेनेलिया की ये पिक्चर और इसे कैप्शन दिया तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। रितेश और जेनेलिया ने 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2012 में शादी की थी। 30 में 30। पॉलिटिशियन अंडरवर्ल्ड डॉन एंड फॉर्मर गैंगस्टर अरुण गौड़ी की लाइफ पर बेस्ड फिल्म डैडी के डिबैकल के बाद कहा जा रहा था कि अर्जुन रामपाल ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर अर्जुन ने इन रूमर्स को कर दिया डिनाई। That's not true. I have signed many films. Yeah, right now filming for a film called Palta. That's with Mr. JP Dutta. And then there is a film called Nasti. Mr. Sajesh Varma. And there's another film which I'll be announcing soon. 30 में 30। प्लैनेट बॉलीवुड टीम ने रिसेंटली एस फिल्म मेकर मधुर भंडारकर को एक इवेंट पर किया स्पॉट और यहां मधुर ने बताया कि वो अपनी एक नई फिल्म पर कर रहे हैं काम। राइट नाउ इट्स टू प्रीमैच्योर टू टॉक बिकॉज़ इट्स स्टिल ऑन राइटिंग स्टेज, तो चालू है, मंथन चालू है और जल्दी अनाउंस करूंगा तो आप सबको पता चलेगा मैं क्या फिल्म बना रहा हूं। यहां मधुर ने ये भी बताया कि यंग जनरेशन में कौन है उनके फेवरेट स्टार्स। आई लाइक लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस रिसेंट, परिणीति चोपड़ा इज वेरी गुड, वाणी कपूर इज वेरी गुड, तो काफी नई लड़कियां आई हैं, वेरी टैलेंटेड दे आर, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट लगेगा मैं अप्रोच करूंगा। और लड़कों में से बहुत आयुष्मान खुराना हैज बीन ग्रेट, राजकुमार राव हैज बीन अ ग्रेट एक्टर और मेरे ख्याल वरुण धवन इज सुपर्ब।